ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुख्यतः जो पिछले दिनों कृष्णा डाबा के बच्चे के साथ जो कश्मीर में असैसिनेशन हुई उसको लेके है, और मैं आप सबके सामने ये बात कह रहा हूँ कि इससे बड़ा जुल्म उस परिवार के साथ नहीं हो सकता था कि 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने जवान बच्चे को खोया है। हम चूंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में जब मैं उनके घर अफसोस प्रकट करने के लिए गया था पिछले दिनों, तो उन्होंने मुझे ये चिंता जाहिर की कि शायद अब मैं अपना दुकान या अपना ढाबा दोबारा से खोल पाऊंगा कि नहीं। हमारे साथ उस दिन जम्मू ढाबा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोधराज जी भी साथ में थे, इनका भी पूरा शिष्टमंडल हमारे साथ गया था। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो हमारे कश्मीर के काउंटर पार्ट हैं अबरार खान जी और उमर राधर साहब, ये अपने सारे साथियों के साथ आज जम्मू में कल से आए हुए हैं, हमने इनको ये रिक्वेस्ट की कि उस परिवार का मन में ये खौफ है कि क्या हम वहाँ वापस अपना बिजनेस रिज्यूम कर पाएंगे या नहीं। बच्चा तो हमने खो दिया लेकिन क्या हम वो रिज्यूम कर पाएंगे। तो उसी के चलते हमने अबरार जी के साथ ये बात की और इनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि आज की डेट में वो जम्मू से ज़्यादा कश्मीर के बाशिंदे हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पढ़े लिखे, वहाँ बड़े हुए। कुछ इस तरह की बातें आई कि किसी ने कहा वो बाहर के हैं, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं। और जब ये सारी बात डिस्कस हुई तो अबरार साहब ने कहा आगे बढ़ के, आज इनके साथ 10 लोगों का शिष्टमंडल वहाँ से आया है कश्मीर से स्पेशली, और अभी हम उनके घर से होके आ रहे हैं। इन्होंने उनको पूरा एश्योर किया है कि जिस दिन आप अपना शटर उठाएंगे हमारी कश्मीर की पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ होगी। ये एक ऐसा जेस्चर है कि शायद जम्मू कश्मीर में एक इस बात ने एक नया चैप्टर जोड़ दिया है, जिसमें जो व्यापारी वर्ग है उसने ये बताने की कोशिश की है। और हम चूंकि शांति के हामिल हैं सभी लोग, हम चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा बिजनेसमैन का नहीं होता, इसलिए हम अपील भी करना चाहेंगे आज एडमिनिस्ट्रेशन से। जैसे हमारे साथ रमेश कुमार जी बच्चे के पिताजी ने हमसे जो बात कही है, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि एडमिनिस्ट्रेशन का उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसकी वजह से उनके मन में बहुत अफसोस है कि वो कहते हैं कि हमारे पास कोई पूछने भी नहीं आया ढंग का कि भाई आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो हम उन्होंने फाइनेंशियल लॉस की तो कोई बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की है जो हम आपके माध्यम से आदरणीय एलजी साहब को भी कहना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में जो बाकी बैठे अफसरान हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि उनकी ये डिमांड है कि उनके एक ही बेटा और एक ही बेटी थी, बेटा तो उनको चला गया, तो वो कहते हैं हमारी फाइनेंशियल तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हमारी बच्ची को कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जो ऐसे केसेस में सरकार आगे भी देती आई है। हम ये मांग करते हैं रमेश कुमार जी के बिहाफ पे, और आज हम एलजी साहब को भी पत्र लिखने जा रहे हैं, और दिल्ली में भी हमारे जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री हैं उन्होंने अपना कंडोलेंस लेटर हमारे हाथ पहले भी भेजा था जो मैंने उनको दिया था, और दिल्ली में भी हम ये मसला उठाने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाहर से इंडस्ट्री लाने की, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की, तो अगर यहाँ का ही माहौल ठीक नहीं होगा, जो हमारे जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं उनको ही अगर वहाँ पे ढंग से काम नहीं करने दिया जाएगा, तो ये माहौल शायद हम वो जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो नहीं पा पाएंगे। तो यही आज की हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा था। और अब मैं अबरार खान जी, जो कि स्पेशली श्रीनगर से आए हैं अपने डेलीगेशन को लेके, मैं अबरार खान जी को कहूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। देखिए जी, जहां तक इस इंसिडेंट का सवाल है, पूरी बिजनेस कम्युनिटी चाहे वो जम्मू की हो चाहे कश्मीर की हो इसकी पुरजोर निंदा करती है। एक बेगुनाह आदमी को मारना किसी भी तरह से जायज नहीं, हम ठहरा सकते, एक बात। दूसरी बात कि जहां तक ट्रेडर कम्युनिटी का सवाल है या कश्मीरियत का सवाल है, हमारी कश्मीरी जो सकाफत है वो मिक्स्ड कल्चर की है। चाहे अगर आप देखें जो हमारी पंडित बरादरी पीछे रह गई,
मैं खुद बताऊं कि मेरे दोस्त पंडित हैं, उनकी मदर गुजरी, तो इट वॉज ए फ्राइडे सर्मन, मैंने वो छोड़ के पहले उनकी मदर की आखिरी रसूमात की अदायगी में अपना हाथ बटाया। सो ये हमारी सकाफत भी है, ये हमारा कल्चर भी है। सो इस तरह से ये जो इस टाइप के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, मैं अपील करूंगा सारे उन बरादरी से जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं जो हमारे साथ काम करें। पहले तो रमेश जी के बारे में जो गलत फहमी है, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर क्लियर करता हूँ, इज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहली बात, जो उनकी स्कूलिंग कश्मीर की है जो हमें पता चला, दूसरा वो वहाँ रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ बड़े पड़े हैं, उन्होंने पहले कश्मीर में अपना मकान बनाया था, उसके बाद वो सिर्फ जम्मू की तरफ मकान बनाने के लिए आए हैं। सो एंड वो सिर्फ एक ब्रांड नहीं थे कृष्णा, कृष्णा एक जो मिक्स हमारी सकाफत है, कृष्णा ढाबा जो हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सारे भाई मिल के वहाँ रहते हैं, उनकी जो एक मिक्स सकाफत का एक अलमबरदार था। सो ऐसे जो हीनियस क्राइम ना सिर्फ उसको एक धचका देता है, जो हमारे भाईचारे के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सो इसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं, जैसा कि नीरज जी ने, एक बार फिर हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि जो जो अब इनका लॉस हुआ, आगे के लिए जो हमारी बरादरी काम कर रही है वहाँ पे, जो माइनॉरिटीज में है वहाँ पे, उनकी सिक्योरिटी का पुरजोर बंदोबस्त रखा जाए, क्योंकि वो हमारे कारोबारी सर्कल के हिस्से हैं, हम उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, जो उस बच्चे की जो डेथ हुई है, जो उसकी बच्ची का उनका बेटी है, शी इज एन MBA, उसके लिए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम चाहते हैं कि इसका जो अब जो हमारा लॉस हो गया हो गया। सो जैसे कि नीरज जी ने बोला कि हम LG साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और सब क्वार्टर्स पे ये बात कहते हैं, बुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करेंगे कि इनको कंपनसेशन की इवन कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब तो मिलना चाहिए, जो कि इनका SRO के तहत हक भी बनता है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से आप भी इसको थोड़ा हाईलाइट करें, थोड़ा हम भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो इनका लॉस हो, कम से कम एक जान को बदला तो नहीं दे सकते, बट कहीं ना कहीं कुछ कंपनसेशन के लिए हम सबका एक रोल बनता है। सो अपना रोल निभाते हुए हम बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी जो है इट इज़ डिवाइड ऑफ पॉलिटिक्स, लेट अस बी वेरी क्लियर। हमारा एजेंडा वन थिंग है, वी आर कंसर्न विद रेजिंग द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर एशिया, ऑफ आवर कंट्री। जो हमारा इस रीजन है, एक लास्ट एज पे रहता है, यहाँ वैसे ही हर चीज़ डिफिकल्टी में है, अगर चाहिए बाकी चीज़ों में। और इस टाइप के एलिमेंट्स जो हैं, चूँकि टूरिज्म हमारा प्राइमरी जो है, कह लीजिए ब्रेड अर्नर है व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तो है ही, कश्मीर में ज़्यादा स्पेसिफिक कह रहा हूँ, उस दौरान में अगर ऐसे एलिमेंट्स होते तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट सारे नेशन में और इंटरनेशनल में भेजता, इंटरनेशनली भी भेजता है। तो इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, हर वो बंदा जिसका ज़मीर जिंदा है उसकी मजम्मत ज़रूर करेगा, इंशाल्लाह तो हम भी कर रहे हैं, हमारे सारे साथी करेंगे। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ जो है इस टाइप के इंसिडेंट्स दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए पूरे ये